नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के हेल्थ प्लस कार्यक्रम में। आज एक बहुत मजेदार डॉक्टर हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है, डॉक्टर विक्रम लोटवाला। तो स्वागत करता हूँ डॉक्टर विक्रम लोटवाला को इस स्टूडियो में हमारे। डॉक्टर विक्रम लोटवाला बैरियाटिक सर्जन है, तो आज मोटापे के बारे में। एक बैरियाटिक सर्जन वो होता है जो मोटापे को एड्रेस करता है, उसके लिए जो जो काम करना पड़ता है, जो सर्जरी है, जो भी एडवाइस है वो देते हैं। तो ये सारी बात जो एक आम आदमी को समझना है उसके बारे में हम उनसे पूछेंगे, कुछ काफ़ी सवाल उनसे पूछेंगे। मोटापा कैसे होता है, क्यों होता है, इसके रास्ते क्या हैं, क्या विकल्प हैं इनके। उससे पहले, सवालों का सिलसिला हम जब शुरू करेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर विक्रम अपने बारे में खुद उनकी ज़ुबानी कुछ परिचय दें कि कैसे उन्होंने ये फील्ड चूज़ किया, कैसे वो ये स्टूडेंट लाइफ से लेके अभी तक यहाँ तक पहुँचे। तो सर, आपसे विनती है कि हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आपके बारे में। नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम लोटवाला है। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र जलगांव से, और सूरत में मैं आया 15 अगस्त 2008 में। उसके पहले मेरा जो भी एजुकेशन हुआ है और मेरा रहना था पूरा महाराष्ट्र में हुआ है। मैंने स्कूलिंग जलगांव से ही किया है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से, और मैंने नासिक से MBBS किया है। और मेरा जो MS है सर्जरी में स्पेशलिटी, वो हुआ है MRMC गुलबर्गा से। उसके बाद मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि फील्ड में जो स्टालवर्ड्स है, जैसे कि डॉक्टर लाकड़ावाला, डॉक्टर पारुल शुक्ला, इन लोगों के साथ टाटा हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटलों में काम करने का मौका मिला। और तब मुझे थोड़ा बहुत बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में आइडिया आया था 2003 और 2004 के वर्षों में। सो तब ये बहुत नई फील्ड थी, इंडिया में भी इंट्रोड्यूस तभी हुआ था, लेकिन जिस तरीके से ओबेसिटी बढ़ती जा रही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि ये फील्ड में एंटर होना ज़रूरी है। और इसलिए मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी का डिसीजन लिया। उसमें मैंने बकायदा 3 साल ट्रेनिंग ली और 2008 से सूरत में अपनी प्रैक्टिस एज अ बेरियाट्रिक सर्जन, साउथ गुजरात में फर्स्ट बेरियाट्रिक सर्जरी हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट किया। और अब आज 10 वर्ष हो चुके हैं और उसके रिजल्ट्स अभी हम लोगों को पता चल रहे हैं। और हम लोगों का ध्येय यही होता है कि पेशेंट का वज़न तो कम करना है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्येय ये बड़ा है कि वज़न बढ़े ही नहीं तो हमारे पास पेशेंट आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम ओबेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। एक चाइल्डहुड ओबेसिटी भी है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बात करना चाहूँगा। सर बहुत बढ़िया, पहले तो ये समझाए कि मोटापा जो है वो क्या है, व्हाट इज़ ओबेसिटी, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। हिंदी या गुजराती या जो भी हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें हर आदमी के लिए एक मोटा शब्द होता है, बट मेरे हिसाब से और जो इंग्लिश में होता है, ये दो एक अलग अलग चीज़ है। मोटापा क्या है, जैसे एक होता है ओवरवेट, आपका ज़रूरत से ज़्यादा जो वज़न है उसको ओवरवेट बोलते हैं, और आपका काफ़ी वज़न जब ज़्यादा हो जाता है तो मोटापा कहा जाता है। सो इंग्लिश में दो डिफ्रेंशिएशन क्लियर कट है, एक ओवरवेट होना और एक ओबेसिटी होना। सो इस किसको ओबेस बोलेंगे, किसको नॉर्मल वेट बोलेंगे और किसी को हम ओबेस बोलेंगे, नॉर्मल वेट, ओवरवेट और ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी कई मापदंड होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली वर्ल्ड गाइडलाइंस जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में WHO ने जो गाइडलाइंस बनाए हैं, सो उनके हिसाब से 18.5 से 25 तक जो होता है, 18.5 to 25 वो होता है नॉर्मल वेट, अगर आपका BMI। अब BMI क्या है, BMI इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो वज़न किलोग्राम के अंदर, पाउंड के अंदर नहीं, किलोग्राम के अंदर, इंडिया में किलोग्राम ही चलता है, तो समझ लीजिए आपका वज़न है 100 किलो, तो उसको डिवाइड करना है आपको आपकी हाइट से मीटर्स में। आपकी हाइट अगर 150 सेंटीमीटर है, यानी हुई 1.5 मीटर, सो 100 किलो डिवाइडेड बाई 1.5 into 1.5, दैट इज़ 100 divided by 2.25। सो जो भी वो आता है कैटेगरी में, उसको जो आंसर आता है, जैसा समझ लीजिए आपका 40 है या आपका 25 है आंसर या आपका 30 है, तो उसके हिसाब से BMI कैलकुलेट होता है। अब ये BMI जब आपका 25 के अंदर है तो आप नॉर्मल है, आप 30 के अंदर है, 25 से 30 के अंदर है तो आप ओवरवेट है, और आप 30 के ऊपर जब जाते हो तो उसको ओबेसिटी माना जाता है। ये हो गए वर्ल्ड गाइडलाइंस की बात। सो आप
ये BMI फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप नॉर्मल है या अंडरवेट है, ओवरवेट है या आप ओबीज है। ये ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये आदमी मोटा क्यों होता है, इसके कुछ कारण बताइए सर। मोटापा क्यों होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है एक तरीके से। मोटापा बेसिकली होता है आपकी लाइफस्टाइल से। मेनली आज जो दुनिया में प्रॉब्लम है वो अपना लाइफस्टाइल है, खानपान, आपका एक्सरसाइज करने की स्टैमिना। आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो वो भी, उसको हम एक ही वर्ड में इंग्लिश वर्ड बोलेंगे तो लाइफस्टाइल आ जाता है कि आपकी आपके कौन सा खाना खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कितने बार खाते हैं, और वो खाना पचाने की आपकी क्षमता। दूसरा मेन कारण होता है एक हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर होना, जैसे कुछ डिसऑर्डर्स है, कशिंग सिंड्रोम है, थायराइड के प्रॉब्लम्स है, इन पेशेंट्स में थोड़ा वजन बढ़ने के चांसेस होते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। आपके अगर फैमिली में आपके माता पिता को वज़न का प्रॉब्लम है तो आपको भी वज़न का प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। ये सब फैक्टर एक साइड रख दे और हम आज की लाइफस्टाइल की बात करें तो यही एक मेजर चीज़ होती है जिसकी वजह से वज़न बढ़ रहा है। आज हमारे यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कंपनी के, लेकिन फास्ट फूड्स की वजह से जो हमारे बच्चों में और हम लोगों में वज़न बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है, यही एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है। उसके सामने आज हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हर घर में वॉशिंग मशीन होता है, हर घर में मिक्सी होता है। लेडीज़ में ओबेसिटी बढ़ने का कारण ये है कि जो पहले सहूलियत नहीं मिलती थी या हम लोगों को जो श्रम करने की ज़रूरत पड़ती थी वो अभी श्रम हम नहीं कर पा रहे, और हर जगह जाना है तो हम लोग बस में या कार में जाना प्रेफर करते हैं। घर के एकदम नज़दीक कार पार्क करने की हम लोग सोचते हैं, चाहे कि हमको 4 कदम भी चलने की ज़रूरत ना पड़े। ये एक थ्योरी हो गई कि कम से कम समय में कम काम करें और अच्छे से अच्छा खाना खाएं, इसकी वजह से आज ओबेसिटी या मोटापा का प्रॉब्लम आज हमारा देश देख रहा है। इस मोटापे में जब बच्चों को होता है, जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, तो उसका आपकी दृष्टिकोण से वो क्या है और उसके कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड हो चुका है। बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है, लेकिन हम लोग गरीब इंडिया को एक डायबॉलिकल प्रॉब्लम मिला हुआ है। जैसे कि एक प्रजा जो है वो काफ़ी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है उनके पास, बहुत गरीब है और वज़न का तो कम की तरफ है वो लोग, लेकिन एक ऐसा पॉपुलेशन भी बनता जा रहा है मुख्यतः अपने शहरों में कि जहाँ पे बच्चों का वज़न बहुत बड़ा बढ़ते हुए देखा गया है। कुछ कुछ एरियाज़ इंडिया में ऐसे भी है जहाँ पर हर दूसरा बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में। हम लोग ये चाहते हैं कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना जाए। आज हर दादी चाहती है कि उसका पोता जो है या पोती जो है वो अच्छे खासे वज़न की हो, दिखने में गोल मटोल हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ी मानसिकता है जो गलत है। ये मानसिकता हमको बदलनी है कि वो मोटा नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। मोटा नॉर्मल नहीं है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चा अगर बचपन में ही मोटा है तो 80% चांस है कि वो जब बड़ा होगा तभी भी वो वज़न लेके ही बड़ा होने वाला है, और 10 में से 8 बच्चों का वज़न वो बड़े होने के बावजूद कम नहीं हो पाता है। ये मेंटेलिटी हमको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आज बच्चों में एक्सटर्नल या आउटडोर गेम्स खेलने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है, सब लोगों के हाथ में मोबाइल आ गए हैं, सब TV देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, इंटरनेट पर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ये चेंज करने की बहुत ज़रूरत है और इसका अवेयरनेस लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग बच्चों का वज़न कम करने के लिए ऑपरेशन करें, जो वो एकदम गलत है, नहीं होना चाहिए, वज़न बढ़ना ही नहीं चाहिए। चाइल्डहुड ओबेसिटी अपने में ही एक अलग टॉपिक है जिस पर डिटेल में डिस्कशन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। तो एकदम दर्शकों, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा जो खान पान है, कम्फर्ट लेवल लिविंग है, और हम एक्सरसाइज से दूर भागते हैं, वर्जिश नहीं करते हैं, तो ये सब कारण होता है। जो लाइफस्टाइल इन्होंने बताया, जो जीवन जीने की शैली है हमारी, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये आमंत्रण देता है मोटापे को। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर, ये मोटापे की वजह से, ओबेसिटी की वजह से क्या रिस्क फैक्टर है जीवन में एक आम आदमी के? मोटापे के लिए
प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आते हैं और ये अवेयरनेस के लिए ही मेन हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक यूनिक प्रॉब्लम जो एशियन कंट्रीज़ या इंडियन कंट्रीज़ में देखा गया है कि हमारा 10 किलो भी वज़न बढ़ जावे तो हम लोगों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आ जाता है, जो कि अमेरिकन या यूरोपियन पॉपुलेशन में नहीं देखा गया है। वो अलग 20 25 30 किलो भी बढ़ा ले तो उनका डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर का इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। हम लोगों में 10 किलो में ही डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर आ गया है। इंडिया को आज सेकेंड वर्ल्ड्स मोस्ट ओबीज माना गया है और हम चाइना को भी ओवरटेक करने वाले कुछ सालों में ओबेसिटी में। दूसरा, हम अभी से डायबिटिक वर्ल्ड कैपिटल है, यानी इंडिया में भारत देश में जितने डायबिटीज़ है उतनी दुनिया में कहीं पे नहीं है। सो ओबेसिटी और डायबिटीज़ हैंड इन हैंड चलता है, साथ में चलता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपका डायबिटीज़ आएगा, और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को भी ऐसा ही माना गया है कि आप डायबिटीज़ आ गया तो ब्लड प्रेशर भी आएगा। जैसे ही वज़न बढ़ने लगता है ये दो प्रॉब्लम सामने से आ जाते हैं। उसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम्स जैसे कि कैंसर, जितना स्मोकिंग और जितना टुबैको का है उसी तरीके से 30% चांस है एक मोटे व्यक्ति के लिए कैंसर होना। और वो कौन से कैंसर? लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, जेंट्स में कोलोरेक्टल या इंटेस्टाइन का या आंत का कैंसर। ये देखा गया है कि अगर 10 पेशेंट कैंसर के एक हॉस्पिटल में आते हैं उसमें से करीब करीब 10 में से 3 का वज़न ज़्यादा है या ओबीज है या मोटा है, और ये कैंसर का कारण बनता है। दूसरे प्रॉब्लम्स जैसे कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, बच्चे नहीं होना जिसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ये एक मेन कारण है। और बहुत तरीके के डिप्रेसिव या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इन लोगों में आते हैं। एक प्रॉब्लम जो हम नहीं जान पाते हैं कि खर्राटे मारना या स्नोरिंग जिसको बोलते हैं, ये ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा देखा गया है। पेशेंट अगर वज़न कम करे तो इन सब प्रॉब्लम से बहुत राहत मिल सकती है। तो ओबेसिटी या मोटापे की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम है? सर ने बताया कि आदमी खर्राटे भी लेता है तो वो भी एक वजह, काफ़ी वजह मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं अगर आदमी मोटा होता है तो। इसके इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो व्यक्ति मोटा है उस पर कितना पड़ता है? बेसिकली ओबेसिटी से डिप्रेशन आता है या डिप्रेशन से ओबेसिटी आता है, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये दोनों साथ में ही होते हैं। एक मोटा व्यक्ति जब कभी भी सोसाइटी में आता है तो या पार्टी में आता है तो सबकी निगाह उसके ऊपर होती है, और उसको खुद को भी मालूम है कि सब मुझे देख रहे हैं, वो प्लेट में कितना खाना लेता है, वो कितनी रोटी खाता है, सबकी नज़र उसके ऊपर होती है। हम लोगों में ऐसी धारणा होती है कि यूजुअली आप देखेंगे कि मोटा व्यक्ति हंसता है और हंसाता है, बट वो कारण हम सोचते हैं कि ये हंसमुख है इसके लिए इसका वज़न बढ़ा है, वो बात एकदम गलत है। प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारा डिप्रेस्ड है और वो अपना डिप्रेशन आपको नहीं दिखाना चाहता है, उसके अंदर जो व्यथा है वो बाहर नहीं ला, उसकी पीड़ा वो बाहर नहीं दिखाना चाहता है, इसके लिए वो लोगों को हंसाता है कि वो खुश भी हंसे। तो हंसमुख होना ये बात सही है कि भाई वो दिखा रहा है लेकिन वो अंदर से काफ़ी डिप्रेस्ड है, ये एक हम लोगों को जानने वाली बात है। दूसरा, आप कभी जाएंगे फ्लाइट में बैठेंगे या बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, एक मोटा व्यक्ति बाजू में होता है तो वो ज़्यादा जगह लेता है और उसके बाजू वाले को कम जगह मिलती है, उसमें ये सब प्रॉब्लम होता है। सोसाइटी उसको एक गुनहगार की तरीके से देखती है कि ये कहाँ से आ गया, ये इतनी जगह लेगा, ये इतना खाएगा, और इस वजह से मोटे लोग सोसाइटी में आना बंद कर देते हैं, उनके बहुत कम दोस्त होते हैं, वो बाहर जाना ही नहीं चाहते, वो अगर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उनके साइज़ के कपड़े नहीं मिलते, तो वो वही सोचता है कि मैं जाऊँ या मैं जाऊँगी तो मेरे को मेरे साइज़ के कपड़े मिलने वाले नहीं हैं, तो क्या मतलब है ये सोसाइटी में जाके। और जब भी हो जाएंगे तब उनको अलग तरीके से देखा जाता है, इस वजह से मोटे लोग बाहर सोसाइटी के आना बंद कर देते हैं, इसकी वजह से और उनका वज़न बढ़ता है, वो और खाते हैं कि खाना अब उनके लिए एक एन्जॉयमेंट हो गया है कि अब जो भी होना है अब खा पी के ही एन्जॉय करेंगे। सो एक बार डिप्रेशन में आ जाते हैं और खाते हैं और एक्सरसाइज कम हो जाती है, बाहर निकलना बंद हो जाता है, घर के अंदर बंद हो जाते हैं। सो ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो दर्शकों, जीवन शैली को ठीक करने की ज़रूरत है, और एक मोटा इंसान जो ओबेस है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत परेशान रहता है, वो उसका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, उसको सामने किसी को फेस करने में भी तकलीफ़ होती है क्योंकि वो एक मजाक का ज़रिया हो जाता है।
तो ये सब बचने के लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को कैसे पालना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, उसकी जीवन शैली कैसी होना चाहिए। पहले माँ बाप की भी इतनी जवाबदारी है कि बच्चों को सही राह दिखाए। तो क्या मोटापा को हम डाइट से या वर्जिश से या कोई दवाई से उसको कंट्रोल कर जाएं? यस, मोटापा कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कुछ इलाज मौजूद है। हर पेशेंट में या हर आदमी में सब इलाज चलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उसको साइंटिफिकली देखने जाएं तो अगर आप ओवरवेट की जब कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट इलाज सब एक्सरसाइज और डाइट है। एक अच्छे डाइटिशियन से मिले और अच्छा जिम ज्वाइन कीजिए। ये दो चीज़ करने से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल हो जाएंगे। 25 से 30 के BMI में 96% चांस है कि आप डाइट और एक्सरसाइज से वज़न कम कर लेते हो। वज़न कम करना, BMI ज़्यादा भी है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वज़न कम हो जाता है। लेकिन जब BMI बढ़ जाता है तब ये कम किया हुआ वज़न मेंटेन करना मुसीबत होती है। तो हम तो पेशेंट को बोलते हैं आप 30 के नीचे डाइट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और आपका वज़न हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा। जब पेशेंट ये सब चीज़, क्योंकि होता ये है कि रिज़ल्ट मिल जाने के बाद हम अपने रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं, एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, हमारा डाइट जो पहले ही पुराना तेल वाला घी वाला है उस पर आ जाते हैं, बटर चीज़ वाला आ जाते हैं और उसके बाद वज़न बढ़ने लगता है। ये चीज़ नहीं करना है, करना है अच्छा डाइट लेना है। जिस तरीके से रोज़ भूख लगती है, रोज़ खाना खाते हैं, उस तरीके से आपको रोज़ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपको वज़न मेंटेन करने में मदद करता है, एक्सरसाइज से वज़न कम नहीं होता है, एक्सरसाइज से हेल्प मिलती है, लेकिन आपका वज़न कम होता है सिर्फ और सिर्फ आपके डाइट से। इंग्लिश में कहावत है, द वेट लॉस टेक्स प्लेस इन किचन। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका वज़न आपके किचन में ही कम होगा। अगर आप खाने पे ध्यान दोगे तो आपका वज़न कम होगा। एक्सरसाइज आपको मदद करेगी जो वज़न कम किया है उसको मेंटेन कर रहने में, हेल्दी रहने में, फिट रहने में। सो डाइट और एक्सरसाइज से वज़न कम कीजिए। आपका BMI अगर आपका वज़न 5-7-10 किलो ज़्यादा है। दूसरा आता है मेडिकेशंस। जब कभी पेशेंट को या वो मोटे व्यक्ति को डाइट और एक्सरसाइज से जब हेल्प नहीं मिलती है तो हम कभी कभी दवाई देते हैं, लेकिन एक दवाई की भी एक सीमा होती है, एक ड्यूरेशन होता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, बस उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। 6 महीने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। सो ये दवाई वज़न कम करने के लिए नहीं है, ये दवाई आपको हेल्प करने के लिए है कि आप जो भी कर रहे हैं डाइट एक्सरसाइज उसमें आपको जब कम थोड़ी मदद मिल रही है तो ये आपको एक ऑगमेंटेशन करके देगा कि आपका वज़न थोड़ा और कम कर दे, लेकिन दवाई एक लिमिट तक लेनी है, उसके बाद बंद करना है। सो ये तीन तरीके से आप डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन से वज़न कम कर सकते हैं अगर आप ओवरवेट है तो। डॉक्टर साहब, अगर ये तीनों चीज़ जो डाइट, मेडिसिन और एक्सरसाइज की बात करें तो कई लोगों को देखा है मैंने कि उससे कोई फ़ायदा ज़्यादा मिलता नहीं, क्योंकि वो हो सकता है कि उसको रिलीजियसली फॉलो ना करते हो, तो वो चाहते हैं कि भाई किसी डॉक्टर से मिले और उनका मोटापा जो फैट है बॉडी में वो निकल जाए, वो मेल्ट हो जाए, ऐसी कोई स्कीम हो। तो आमतौर पर देखा है कि लोग जो पेशेंट है वो जो ओबेस हैं वो फिजिकल अरे प्लास्टिक सर्जन के पास पहुँच जाते हैं, तो क्या यही इसका इलाज है कि प्लास्टिक सर्जन उसका इलाज कर सकते हैं? बेसिकली इसमें हमारी भी थोड़ी गलती है बेरियाट्रिक सर्जन्स की, कि हम लोग उतनी अवेयरनेस नहीं ला पाए। और प्लास्टिक सर्जन बेसिकली मोटापा को एक कॉस्मेटिक तरीके से भी देखा जाता है कि भाई मैं खूबसूरत दिखना चाहता हूँ या दिखनी चाहते हूँ, और जो बाकी मेरा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वो तो किसी को पता नहीं है। सो इस वजह से पेशेंट प्लास्टिक सर्जन के पास पहुँच जाते हैं कि भाई हमको खूबसूरत बना दो। और अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि प्लास्टिक सर्जन के पास जाना, अगर आपका 5-7 या 10 किलो वज़न ज़्यादा है तो प्लास्टिक सर्जन आपको डेफिनेटली मदद कर सकता है, उसका रोल है, 100% है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका वज़न 40 किलो और 50 किलो ज़्यादा है तो वो आपको ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी से कोई भाग समझ लीजिए कि सिर्फ पेट का भाग बड़ा है तो उसमें मदद मिल सकती है, किसी के थाइस लेडीज़ के कमर का भाग ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, जिसमें वो आपका लीटर में वज़न कम करेंगे, किलो में नहीं। कोई भी प्लास्टिक सर्जरी अगर हम लोग देखते हैं तो 10 लीटर में वो लोग कम कर देते हैं, जिससे आपका वज़न में अगर देखेंगे तो 4-5 किलो कम हो जाएगा। सो अगर आपका टारगेट यही है कि मेरे को 4-5 किलो कम करना और खूबसूरत दिखना है तो प्लास्टिक सर्जरी बहुत बढ़िया है आपके लिए। लेकिन आपका टारगेट अगर 40-50 किलो कम करना है या 30 किलो कम करना है
या फिर आपको आपके डायबिटीज़ से प्रॉब्लम है, वज़न के साथ जो आया है, आपके ब्लड प्रेशर से प्रॉब्लम है, आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, आपको घुटनों के दर्द का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है, आपका वज़न ज़्यादा है, तो बेरियाट्रिक सर्जरी, ओबेसिटी सर्जरी ही एक उपाय और कारगर उपाय है उसके ऊपर, ना कि प्लास्टिक सर्जरी। सो प्लास्टिक सर्जरी 2-4-5 किलो के लिए ठीक है, 10 किलो मैक्सिमम, लेकिन उसके और प्लास्टिक सर्जरी इन सब बाकी के जो प्रॉब्लम ओबेसिटी लेके आता है, मोटापा लेके आता है, उसमें कोई मदद नहीं करेगा आपको। आपको खूबसूरत बना देगा लेकिन आपका डायबिटीज़ जैसा है वैसा रह जाएगा, आपका प्रेशर भी वैसा ही रह जाएगा। तो बैरियाट्रिक सर्जरी अगर सोल्यूशन है तो बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है वो थोड़ा दर्शकों को विस्तार में बताइए। बेरियाट्रिक सर्जरी कई एक्चुअली बेरियाट्रिक सर्जरी का हिस्ट्री मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा इसमें आपको बताना चाहूँगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी डेवलप कैसे हुई है। बेरियाट्रिक सर्जरी आई है कैंसर सर्जरी से। कैंसर सर्जरी जब किया गया है, पेट के जब ऑपरेशन करते थे, कैंसर के ऑपरेशन किए गए, और तब डॉक्टर्स ने ऐसा नोटिस किया है कि भाई कैंसर सर्जरी से हम लोग कैंसर से तो छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट मोटा था वो पतला हो जा रहा है, और वो पतला हो जाता है और वो मेंटेन भी रहता है। सो धीरे धीरे 1950s और 1960s में ये सर्जरी के ऊपर रिसर्च होने लगा कि भाई कैंसर छोड़ के भी अगर हम ये सर्जरी करने लगे कोई मोटे व्यक्ति पे तो उसका रिजल्ट हमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। सो 1960 में डॉक्टर मेसन ने ये सर्जरी की इजाद की थी, जो रिफाइंड सर्जरी कह सकते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास। तब लेकिन वो ऊपर से नीचे खोल के ऑपरेशन हुआ करता था, उसको ओपन सर्जरी बोलते हैं। सो 1960s में ये सर्जरी होने लगी, काफ़ी सक्सेस भी होने लगी, क्योंकि ये सर्जरी बहुत बड़ी थी, क्योंकि ऊपर से नीचे कट करना और पेशेंट की रिकवरी में कम से कम 10-15 दिन लग जाते थे। सो बहुत सारे पेशेंट्स में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन होते थे मोटापे की वजह से, ऑपरेशन की वजह से। लेकिन ये सर्जरी में रिवॉल्यूशन आया जब से दूरबीन, लैप्रोस्कोपी या लेज़र, हम लोग जिस तरीके से नॉर्मल भाषा में पेशेंट की भाषा में बात करते हैं, आमतौर पर बोलते हैं कि इसको लेज़र ऑपरेशन या दूरबीन से बोलते हैं, लैप्रोस्कोपी से। लैप्रोस्कोपी से होने ये लगा कि आपका वज़न तो कम होता है लेकिन आपको 48 आवर्स या 2 या 3 दिन में छुट्टी भी मिल जाती है, पेशेंट रिकवर हो जाता है जल्दी, काम ज्वाइन कर लेता है और उसका वज़न कम होने लगता है। सो दैट इज़ व्हाट बेरियाट्रिक सर्जरी इज़, कि हम दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, 3-4 दिन का हॉस्पिटल में एडमिशन होता है और 7 दिन में वो अपने काम पर शुरू हो जाते हैं, वज़न अपने आप कम होने लगता है और वज़न आपका 1 वर्ष तक कम होगा। प्लास्टिक सर्जरी में जो आपको 10 किलो का रिजल्ट मिल रहा है वो इमीडिएट मिल जाता है 15 दिन के अंदर। ये सर्जरी में आप अगर 100 किलो से 60 तक जाना चाहते हैं तो इसमें 1 वर्ष का समय लगता है। कई तरह की सर्जरी होती है बेरियाट्रिक सर्जरी में, मुख्य तौर पर इंडिया में 2 सर्जरी काफ़ी पॉपुलर है, एक है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और दूसरी है रू एन वाई गैस्ट्रिक बाईपास। सो ये 2 सर्जरी के कौन कौन कैंडिडेट है और किस किन किन लोगों ने ये 2 सर्जरी करानी चाहिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सर ये आपने सर्जरी के बारे में तो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा दर्शकों को अगर ये बता सके कि ये जो 2 सर्जरी के बारे में आपने बताया तो इसका थोड़ा सा आप डिटेल बता सके, बायोलॉजिकली आप एग्जैक्टली जो सर्जरी करते हो वो क्या होता है उसमें, मतलब ये दोनों में अलग अलग तरीका होता है, तो बायोलॉजिकली जैसे इंटेस्टाइन को आप क्लिपिंग करते हो क्या एग्जैक्टली करते हो, थोड़ा सा उसे डिटेल में बता सकते हैं। सो हम शुरू करते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी से। आज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर माना जाता है वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करने से सेम जो मैंने पहले बेनिफिट्स बताए वो आपको मिलते हैं कि आप स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जब कराते हो तो आपका वज़न तो कम होगा ही, और कितना कम होगा, कम होता है यूजुअली 70-80% ज़्यादा वज़न है अगर आपका, समझ लीजिए आपका वज़न 150 किलो है और आपका नॉर्मल वज़न होना चाहिए 50 किलो, आपका 100 किलो वज़न ज़्यादा है आपके BMI के हिसाब से। सो आपका वज़न जो 100 किलो ज़्यादा है उसमें से 60-80 किलो वज़न सर्जरी से कम हो जाता है, और यंग पेशेंट्स में करीब करीब 100 किलो पूरा कम हो जाता है। इसके ऊपर बहुत कुछ फैक्टर्स भी है कि आप बाद में डाइट एक्सरसाइज फॉलो करते हैं नहीं, उसके ऊपर वो विषय पे बाद में आएंगे, लेकिन स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हमको इतना तो प्रॉमिस करता है कि आपका 60-70 kgs कम हो जाएगा या 60-70% वज़न कम हो जाएगा। सो आप 50 पे थे तो आप करीब करीब 60-70 किलो पे, आप 150 पे थे तो 60-70 किलो पर आपका 1 साल बाद आपको वो रिजल्ट मिलेगा। सो स्लीव में क्या किया जाता है, अब स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में
आपका स्टमक का जो पार्ट है, जिसको गुजराती में होजरी बोलते हैं, वो स्टमक का जो पार्ट है, वो स्टमक के पार्ट को हम लोग 10 में से 9 भाग बाहर निकाल देंगे शरीर में से स्टेपलर फायर करके। 5 से 7 स्टेपलर फायर किया जाता है और सिर्फ 10 में से एक भाग, 1/10 ऑफ द स्टमक आपके शरीर में रहता है। सो उससे आपको लाभ कैसे मिलता है? दो फैक्टर्स हैं जो ये सर्जरी में मदद करते हैं। एक तो मैकेनिकल हो गया कि भाई आपकी खाने की कैपेसिटी कम हो गई। दूसरा जो मेजर बेनिफिट मिलता है ये सर्जरी से, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस क्या आते हैं? सो ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन है जो मुख्य तौर से आपको भूख लगाने का काम करता है। कि भाई हम खाना क्यों खाते हैं? खाना इसलिए खाते हैं कि हमको भूख लगती है। हमको भूख क्यों लगती है? सो जे शरीर में कई तरह के हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, थायरॉयड, जब लोग बोलते हैं मुझे थायरॉयड हो गया, थायरॉयड एक हार्मोन है, वैसा एक ग्रेलिन नाम का हार्मोन है। सो ग्रेलिन जब हार्मोन आपके खून में जब सिक्रेट होता है तब आपको भूख लगती है। ग्रेलिन सुबह दोपहर शाम रात को सिक्रेट होता है, उस समय आपको याद आता है कि मुझे खाना है, भूख लगी है। अब जब ये भाग सिर्फ आपके स्टमक में से हम लोग अलग कर देते हैं तो ग्रेलिन सिक्रेशन 3 महीने के लिए आपके शरीर से कम हो जाता है या तो बंद हो जाता है। उससे होता यह है कि पेशेंट को भूख ही नहीं लगती है। सो 3 महीने तक को अब उसको याद दिलाना पड़ेगा, भाई समय हुआ है, आप थोड़ा बहुत खा लो। इस वजह से पेशेंट का वजन कम होने लगता है कि भूख लगती नहीं है और खाने की संभावना नहीं होती है। 3 महीने बाद वो जो छोटा स्टमक है उसका असर शुरू होगा कि भाई अब वो खाने डिमांड करता है, पेशेंट मानता है। अब वो जब खाना खाने बैठता है, पहले जो 3 रोटी खाते थे वो 3 रोटी नहीं खा पाएंगे, वो 4 या 5 चम्मच खाएंगे तो पेट भर जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि भूख लगी है खा नहीं पा रहे और वो संतुष्टि नहीं मिलती है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है सटाइटी, संतुष्टि, जो अपने को 3 रोटी खाने पे मिलता है या 4 रोटी खाने पे मिलता है, वो ये सर्जरी में आपको 3 या 4 चम्मच खाने में ही मिल जाएगा। इस तरीके से पेशेंट का हर महीने वजन कम होता है और अपना 1 महीने पे टारगेट कंप्लीट होता है। ये हो गया स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी की बात। दूसरा एक ऑपरेशन है रू एन वाई गैस्ट्रिक बाईपास। रू एन वाई गैस्ट्रिक बाईपास एक टेक्निकली डिमांडिंग ऑपरेशन है, लेकिन ये स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के ऊपर कहाँ पे स्कोर करता है उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा इंसुलिन की डिमांड है, डायबिटीज़ है, 50-60-100 इंसुलिन डेली ले रहा है, बहुत सीवियर उनको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है, सो ये सब पेशेंट्स में हमारे लिए गैस्ट्रिक बाईपास एक बहुत कारगर और गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी मानी गई है। गैस्ट्रिक बाईपास में स्लीव में हम लोग 100 ml का स्टमक रखते हैं, बाईपास में हम लोग सिर्फ 15 ml का स्टमक बनाते हैं। और स्टमक का भाई जो नीचे का भाग है वो बाईपास हो जाता है, ना कि शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। नीचे से इंटेस्टाइन कट करके हम लोग ऊपर स्टमक पे लगा देंगे, जिसकी वजह से आप कम खाना खाओगे और जो खाना भी खाते हो उसमें से आधा खाना तो पचता नहीं है, वो स्ट्रेट अवे स्टूल में निकल जाता है, टॉयलेट में निकल जाता है, और थोड़ा ही भाग जो है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। सो ये मेन अलग दो टाइप की सर्जरी होती है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जिसमें एक भाग शरीर से बाहर ही निकाल दिया जाएगा, गैस्ट्रिक बाईपास है जिसमें हम लोग स्टमक का एक भाग बाईपास करके इंटेस्टाइन वहाँ पे जोड़ देते हैं। सो ये दो सर्जरीज मुख्यतः भारत में की जाती है। सर बलून का कोई थेरेपी है क्या? वो थोड़ा सा समझाए, हमने सुना है लेकिन मुझे भी नहीं पता, दर्शकों को भी जानना चाहेंगे कि बलून क्या होता है, वो कैसे काम लगता है। ये जो मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी बताई है वो वज़न कम करने के लिए ऑपरेशन होता है, जिसमें पेशेंट को बेहोश किया जाता है, एडमिट किया जाता है, ऑपरेशन होता है, 2-3 दिन बाद वो लोग घर जाते हैं और वज़न कम होता है। एक अलग तरीके का प्रोसीजर होता है, ये ऑपरेशन नहीं है, इसको प्रोसीजर ही बोल सकते हैं, जिसको दूरबीन से किया जाता है, लेकिन वो मुँह में से किया जाता है। पेशेंट को हम लोग 15 मिनट या 20 मिनट के लिए सुलाते हैं और उसके अंदर, इसको एंडोस्कोपिक प्रोसीजर बोला जाता है बेसिकली, बलून उसमें से एक प्रोसीजर है। अभी तो एंडोस्कोपिक काफ़ी नए प्रोसीजर डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग है, और आगे जाके और इसके रिजल्ट्स हम लोग अवेट कर रहे हैं, फिर ये जनरल पॉपुलेशन में आएगा, लेकिन उसमें से एक प्रोसीजर है बलून। बलून में हम लोग 500 ml का एक बलून आपके शरीर में रख देते हैं, स्टमक के अंदर रख देते हैं, पेशेंट 1/2 घंटे 1 घंटे में घर जा सकता है। और इससे होता यह है कि 10-20% का आपका वज़न कम हो जाएगा। सो बलून में कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बलून आपके पेट में रहता है, लेकिन बलून को 6 महीने, अलग टाइप के बलून 2 आते हैं, 1 6 महीने वाला 1 साल बाद वाला। आपका टारगेट है अगर आपका 10 से 15 या 20 किलो ही कम करना है
तो आप ये बलून का प्रोसीजर भी करवा सकते हैं। जिसको ऑपरेशन से डर लगता है या ऑपरेशन कराना ही नहीं चाहता है या ये सोचता है कि मेरे शरीर में से कोई मेरा भाग निकाल दिया जाए, ये बात गलत है, सो उनके लिए ये एक अच्छा प्रोसीजर है। हम लोग बहुत बहुत ही सीवियर पेशेंट, मोटा पेशेंट है जिसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसमें ये बलून रख देते हैं, पेशेंट 15-20-30 किलो वजन कम कर दे, उसके बाद बलून निकाल के फिर बेरियाट्रिक सर्जरी कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि 60-70 किलो वाला पेशेंट है जिसको टारगेट सिर्फ 5-10 किलो है, वो डाइट एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो उसमें हम बलून रख देते हैं, एक वर्ष में वो अपना वज़न 5-7 किलो कम कर ले, उसके बाद बलून निकाल देते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोसीजर है। मतलब जिसको डर है सर्जरी से वो ये प्रोसीजर यूज़ कर सकता है। यस, आम तौर पे जब पेशेंट आपके पास आता है मोटापा के प्रॉब्लम के साथ, तो कितने पेशेंट, समझो 10 पेशेंट में से कितने पेशेंट आप समझते हैं कि दे आर फिट फॉर सर्जरी, उसके क्या नियम है, क्या गाइडलाइंस है? गाइडलाइंस तो ऐसे है कि अगर वायु आयु के हिसाब से देखें, सो हम लोग 15-16 साल, जब अपने बोन एक ऑसिफिकेशन होता है कि एक बच्चे की पूरी उम्र हो गई है, जो देखते हैं एक्सरे से उनके बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर, हड्डी का पूरा स्ट्रक्चर जब रेडी हो जाता है 13-14-15 साल 16 साल, उसके बाद बेरियाट्रिक सर्जरी हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये कम उम्र की बात, ज़्यादा की उम्र अगर देखें तो 68-70 ईयर्स में बेरियाट्रिक सर्जरी रेगुलर तौर पर होती है, लेकिन ये एक गाइडलाइन है। अगर कोई 72 या 75 ईयर ओल्ड पेशेंट भी आता है और वो पूछता है कि मेरी सर्जरी हो सकती है, पेशेंट फिट है, तो हम लोग सर्जरी करते हैं। इंडिया में काफ़ी रिकॉर्डेड है जो 70 और 80 साल में भी सर्जरी हो चुकी है, पेशेंट के लिए हेल्प हम लोग बेरियाट्रिक सर्जरी से कर सकते हैं। लेकिन कभी कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उनके लिए डाइट एक्सरसाइज BMI के हिसाब से वही चीज़ करना ज़्यादा बेहतर है। हर पेशेंट बेरियाट्रिक, हर ओबीस पेशेंट बेरियाट्रिक का पेशेंट नहीं होता है। अगर आपका थोड़ा सा ही वज़न ज़्यादा है, आप डाइट एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपका BMI 32 के अबव जाता है, जो हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, और अगर आपका 31 के अबव जाता है, जो इंडियन गाइडलाइंस है, उसके साथ अगर आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, तो आपका ऑपरेशन हो सकता है। एक अलग सर्जरी है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी, जिसमें पेशेंट का वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, शरीर ख़राब हो चुका है, उसमें भी ये सर्जरी बहुत मदद करती है कि पेशेंट का वज़न तो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा लेकिन पेशेंट का डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर पर एक उम्दा रिज़ल्ट मिलता है। और अगर आपका डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर 10 वर्ष के अंदर का है, समझ लीजिए अभी 2019 चल रहा है, सो 2009 के बाद का आपका डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हुई है, सो आपको ऑलमोस्ट 90% रिज़ल्ट मिल जाता है। सो ये सब कैंडिडेट्स बहुत अच्छे होते हैं सर्जरीज के लिए और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसमें वर्ल्ड गाइडलाइंस या एशियन गाइडलाइन, ऐसा कोई गाइडलाइंस होता है कि सर्जरी? यस, अगर हम लोग BMI के हिसाब से देखते हैं तो BMI भी दो तरीके के हैं, 18.5 से 25 जो वर्ल्ड गाइडलाइंस जो है WHO के गाइडलाइंस है वो है 18.5 से 25 नॉर्मल BMI, 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट है, आपको अच्छी तरह से खाना पीना चाहिए, 18.5 से 25 है तो आपका नॉर्मल वज़न है, 25 से 30 है तो आप ओवरवेट है, और 30 से ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी में आते हो। ओबेसिटी भी कई तरीके की है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 होता है 30 से 35, 35 से 40 टाइप 2, और 40 के अबव मॉर्बिड ओबेसिटी। सो मॉर्बिड ओबेसिटी क्यों लिखा गया है, क्योंकि मॉर्बिड ओबेसिटी में आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और बाकी के जो सब प्रॉब्लम्स हैं जिसको को मॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, वो आने की शक्यता बहुत ज़्यादा है। इंडियन गाइडलाइंस क्यों अलग है या एशियन गाइडलाइंस क्यों अलग है, हम तौर पर देखा गया है कि हम लोगों में एशियंस आर हैव अ जेनेटिक प्रॉब्लम, हम लोगों को जीन्स में ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा वज़न गेन कर ले तो हम लोग को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आ जाता है। सो इस तरीके से गाइडलाइंस भी चेंज किए गए हैं हमारे लिए, 18.5 से 23 ये नॉर्मल वज़न आपका होना चाहिए, और ओवरवेट जो है वो 23 से 25, 23-25 इज़ ओवरवेट, और 25 BMI से ज़्यादा है तो आप ओबीस गिने जाते हो। इसके लिए हम लोग जो सर्जरी 32.5 वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए है वो हमारे लिए 31 ही है, 31 BMI आप क्रॉस करते हो तो आप सर्जरी के अच्छे कैंडिडेट हो, आपने सर्जरी कराना चाहिए, ये गवर्नमेंट भी मानती है। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि क्या गाइडलाइंस होते हैं, बड़े विस्तार में आपको काफ़ी चीज़ समझाई सर्जरी के बारे में, फिर भी
एक चिंता का विषय है सर्जरी। सर्जरी नाम सुनते ही कोई भी आदमी, मुझसे लेकर आम आदमी, कोई भी चिंता करता है कि ये सर्जरी में रिस्क क्या है, उसके बेनिफिट क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को बताइए आपके इसमें रिस्क क्या छुपा हुआ है, क्योंकि हमेशा एक आदमी सर्जरी कराने आता है, ऐसा नहीं है कि बैरियाटिक कोई भी सर्जरी, तो उसमें रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है वो हमेशा समझना चाहता है, क्योंकि अपनी जान ना गवा दे ये चिंता उसको रहती है, या उसको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस चिंता को मुक्त करने के लिए आप कुछ समझाइए दर्शकों को कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है। राइट, ये बहुत अच्छा सवाल है और हर पेशेंट को यही डर होता है, ऑपरेशन कराएंगे तो ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो आप कोई भी ऑपरेशन कराइए, चाहे फैमिली प्लानिंग का कराइए या अपेंडिक्स का कराइए, कोई भी छोटा मोटा ऑपरेशन कराइए, यूजुअली 0.5% रिस्क तो होता ही है। ये इस तरीके का है कि आप रोड पे चल रहे हैं, कार लेके चल रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी वजह से आप गाड़ी चलाना या रोड पे चलना बंद नहीं कर देते, चांस तो होता ही है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन करना ही है। सो ये कितना ज़्यादा रिस्की है कंपेयर करेंगे हम अगर दूसरे ऑपरेशन से गिना जाए, तो मैं तो ये बताता हूँ कि ये इतना सेफ हो गया है कि आप कोई फैमिली प्लानिंग या अपेंडिक्स का सर्जरी कराते हैं उसी तरीके का है, ये सेफर होते गया है। पहले कॉम्प्लिकेशंस थे जब हम लोग ऊपर से नीचे खोल के ऑपरेशन करते थे, लैप्रोस्कोपी आने के बाद ये कॉम्प्लिकेशन रेट एकदम घट गए। हम लोग कई तरीके के टेस्ट करते हैं सर्जरी के पहले, ऑलमोस्ट 40 रिपोर्ट्स होते हैं पेशेंट के, जिसमें सोनोग्राफी, एक्सरे, हार्ट की जांच होती है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होते हैं, उसकी वजह से एंडोस्कोपी होती है, उसकी वजह से ये सर्जरी काफ़ी सेफ होती है जो दूसरे रूटीन प्रोसीजर्स में या ऑपरेशन में नहीं होते हैं। सो इतने सारे इन्वेस्टिगेशन होने से पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है, और जो रिस्क आप रेगुलर सर्जरी में जाते हो शायद उससे कम रिस्क में ये ऑपरेशन हो जाता है और रिकवरी भी फास्टर है। लेकिन आमतौर पर देखा जाएगा तो इसमें कोई एक्स्ट्रा रिस्क मैं नहीं मानता हूँ कि है, और हर मोटे व्यक्ति को एक बार तो सोचना चाहिए ये ऑपरेशन के लिए। तो आपने रिस्क के बारे में बताया, बेनिफिट आगे भी थोड़ा कुछ आप बता चुके, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे रिस्क बोला वैसे बेनिफिट के बारे में थोड़ा बताइए सर। राइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया मेनली कि वज़न तो कम कर दिया, तो वज़न कम हो गया, लेकिन वज़न के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ये सर्जरी में। मेनली दो चीज़ है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। मैं मानता हूँ कि आगे जाके ये सर्जरी इस तरीके से डेवलप होने वाली है कि आपका वज़न हो या नहीं हो, लेकिन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की ये सर्जरी हो जाएगी। सो आज एक बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने आज मान लिया है कि जहाँ पेशेंट्स को डायबिटीज़ की दवाइयों से बेनिफिट नहीं मिल रहा है वहाँ पर ये सर्जरी का विचार करना चाहिए, भले उसका वज़न हो या नहीं हो। सो ये रिसेंट गाइडलाइंस 2018 के आए अप्रैल में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने बनाया। सो आप सोच सकते हैं कि ये सर्जरी का कितना बड़ा बेनिफिट डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए हो सकता है। वज़न कम होता ही है, वज़न कम होते होते आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, घुटनों का दर्द, कैंसर की जो शक्यता है वो काफ़ी कम हद तक कम हो जाएगी। ये सब सर्जरी कराने से ये सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है। 10 वर्ष के अंदर का आपका डायबिटीज़ है तो आपको 90% चांस है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिल जाएगा। आपका सोने की तकलीफ, देख पाते हैं कि जिसका वज़न ज़्यादा है वो बेड पे लेट भी नहीं सकते, सोना बहुत बड़ी मुसीबत होती है, चेयर में बैठ के ही सोते हैं। सो ये सब प्रॉब्लम से, क्योंकि होता ये है कि गले का भाग जो है वहाँ पे सब चर्बी जमा हो गई है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जब सर्जरी कराओगे तो वज़न एक भाग से कम नहीं होगा, पूरे शरीर से कम होने लगता है, तो सांस की नली खुलने लग जाती है, उसकी वजह से आपका वज़न कम हुआ है तो सांस भी आराम से आप ले पाओगे, उसकी वजह से पेशेंट सो सकते हैं। हम लोगों ने देखा है पेशेंट का वज़न कम हुआ है लेकिन उसको उस चीज़ से आनंद नहीं था, लेकिन मैं लेट सकता हूँ इस चीज़ का सबसे बड़ा आनंद है, खर्राटे बंद हो जाते हैं उसका आनंद है, दूसरों की नींद ख़राब नहीं होती उसका आनंद है, एक अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ के अंदर जब पेशेंट आ जाता है उसका आनंद है। आज सोसाइटी में जाता है, बाहर शॉपिंग के लिए जाता है, उसके कपड़े में, ये लेडीज़ में बहुत बड़ा विषय की बात है, बहुत बड़ा विषय है। आप सोचोगे कि वो मोटी लेडी जिसको 20-30 साल में कभी भी अपने टाइप के कपड़े नहीं मिले, आज वो जीन्स पहन के, ये हम देखते हैं रूटीन लाइफ में कि पेशेंट ने जीन्स पहन के आया है, आप पूछते हैं कि क्या बात है, तो सर ये सब जो ख्वाहिशें थी जो हम कभी भी पूरी नहीं कर पाए,
ये शब्दों में बताना बहुत बड़ी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है पेशेंट के चेहरे पे या जो स्माइल होती है पेशेंट के चेहरे पे, वो सिर्फ देखते से बनती है, उसको शब्दों में हम नहीं बता सकते हैं। सो जो सेटिस्फैक्शन है, मेरा वज़न कम हुआ और आज मैं एक सोसाइटी का भाग हूँ, कि सोसाइटी के बाहर का भाग नहीं, सोसाइटी के अंदर का भाग हूँ, ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन ये सर्जरी देता है। एकदम सही बोला सर। ये तो नॉर्मल इंसान की बात कर ली हमने कि जो एबल्ड हैं, मैं बात करता हूँ कि जो दिव्यांग है, जो शारीरिक क्षति से पीड़ित है, उसकी फिजिकल लिमिटेशंस बहुत हो जाती है, तो वो अगर मोटा हो जाए तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए और उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं? यस, हर सर्जरी के साथ पेशेंट को हम लोग डाइट के बारे में बताते हैं और डाइट के साथ एक्सरसाइज के बारे में भी बताते हैं। हम ये मानते हैं कि सर्जरी एक छोटा सा वो एक उम्मीद है अपने लिए कि हम एक नॉर्मल रूटीन में आ जाए। वज़न की वजह से जो हम रूटीन के बाहर चले गए, अपने नॉर्मल बिहेवियर नॉर्मल लाइफ के बाहर चले गए, कुदरत ने एक ही अपॉर्चुनिटी अपने को दिया है कि भाई अब आपका वज़न कम होने वाला है, आपका वज़न कम हो रहा है, सो हम वही गलतियाँ मिस्टेक्स रिपीट ना करें जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ा है। एक बार सर्जरी हो जाने से डाइट और आपकी एक्सरसाइज का जो रूटीन है आपको फॉलो करना है। लेकिन जैसे आपने पूछा है दिव्यांग के बारे में, हम दिव्यांगों में एक्सरसाइज की उम्मीद बहुत कम करते हैं। जो कुछ दिव्यांगों में ये भी देखा गया कि वज़न बहुत बढ़ जाता है बिकॉज उनका एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी नहीं है, रूटीन काम करने की कैपेसिटी नहीं है बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, इसकी वजह से वज़न बढ़ता है, ये कॉमनली देखा गया है। सो वो डाइट तो कर लेंगे, वो एक लिमिट तक अपना काम कर सकते हैं। ये सर्जरी कराने से हम लोग वी आर फॉर्चुनेट, हम लोगों के पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आ चुके हैं जिनको चलने में या काम करने में दिक्कत होती थी, दिव्यांग थे, उसकी वजह से ऑपरेशन किया और सच मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। हम लोग उनको नॉर्मल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो डिसेबिलिटी के साथ और दिव्यांग होने के बावजूद जो वो अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अभी वज़न कम हो जाने के बाद। सर सारी चीज़ें तो आपने बताई और एक लोगों में समझ आनी चाहिए कि भी क्या ये सर्जरी जो है परमानेंट सॉल्यूशन है, एक बार सर्जरी कराने से आपका जो वेट लॉस है वो परमानेंट है कि रीगेन हो सकता है? यस, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एक टूल है, ये एक साधन है आपको मदद करने के लिए, ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं बदल सकता है, ये आपको सिर्फ मदद करता है वज़न कम करने के लिए। अब समझ लीजिए आपका नया जन्म हुआ है, सर्जरी कराने से एक नया जन्म है, अब आप खुद को या आप अपने बच्चे को कैसा पाल पोस के बड़ा करते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप उसको अच्छा खाना देंगे, एक अच्छी एक्सरसाइज कराओगे, अब उसको एक्टिव बनाओगे, जंक फूड नहीं खिलाओगे, फास्ट फूड नहीं खिलाओगे और उसे रूटीन जो एक आउटडोर एक्टिविटी होती है वो कराओगे, तो आपका बच्चा हेल्दी होगा। यही चीज़ सर्जरी में होती है। सर्जरी कराने के बाद आपका नया जन्म हुआ है, अगर आप रेगुलर अच्छा खाना खाओगे, हेल्दी खाना खाओगे, आप थोड़ा डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान दोगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। ये कारगर उपाय है, कई हज़ारों लाखों सर्जरी हो चुकी है। हम लोगों ने जब एक ही वेट रिगेन का प्रॉब्लम उन लोगों में देखा है जो वापस बताने के लिए पेशेंट फॉलोअप में नहीं आते हैं, और इसका एक कारण है कि कभी कभी पेशेंट को इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि वो सोचते हैं अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, मेरे को वापस जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि वो अपने रूटीन जो पहले भूल करते थे खाने पीने में वो शुरू हो जाती है, वो एकदम से नहीं होता है। फॉलोअप अगर आप रेगुलर करोगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि आपके सेंटर के साथ, ओबेसिटी सेंटर के साथ टच में, साल में एक बार, ज़्यादा नहीं, एक बार आप टच में रहिए तो आपका वज़न मेंटेन रहेगा, वेट लॉस। डॉक्टर साहब, जब दिव्यांगों की जब बात हुई है तो एक संस्था है डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसके आप काफ़ी वाकिफ भी हो, कि जहाँ पर दिव्यांगों के लिए काफ़ी अच्छा सर्विस मिलता है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिलती है, कॉलेज का एजुकेशन भी मिलता है और निःशुल्क सेवा उनको प्राप्त होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा आपके दृष्टिकोण से थोड़ा प्रतिभाव दीजिए। मैं मानता हूँ कि ये जो सेवा दिव्यांगों के लिए आपके ट्रस्ट DWTI डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सोशल एक्टिविटीज़ बहुत सी होती है और सोशल एक्टिविटीज़ के भाव भी होते हैं,
लेकिन ये संस्था का जो भाव है वो एक ही है, वो है चैरिटी, और ये अच्छी भावना से काम किया जा रहा है जो आम तौर पे बहुत कम देखा जाता है आज की सोसाइटी में। सो आपकी संस्था जो काम कर रही है, ट्रस्ट जो काम कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है कन्नू भाई, और आपका जो सहयोग है कन्नू भाई को वो हम लोग देखते हैं आज। और मैं विश करता हूँ कि आपकी संस्था बढ़े, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बचपन से लेके मैरिज तक आप इन सब बच्चों का हेल्प करते हैं, और इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, चैरिटी की भावना से ये काम किया जा रहा है। आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस ट्रस्ट, और मैं भी इस बात इसमें सहयोग करना चाहूँगा। मैं कोई भी लेवल पे आकर मदद कर सकता हूँ तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ इस चीज़। खूब खूब धन्यवाद सर। अंत में मैं एक मैसेज चाहूँगा कि आज का जो यूथ है जो खान पान में ध्यान नहीं करता, मॉडर्न लाइफस्टाइल जीता है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीता है, तो उनको एक मैसेज दीजिए कि आप अच्छा खाएं तो आपकी आपके शारीरिक इश्यूज ना हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करो, ये खास करके ओबेसिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं जो आमतौर पर अभी देखा गया वो ना हो। तो आप एज अ डॉक्टर एक एडवाइस चाहता हूँ और एक संदेश चाहता हूँ आपको आज के यूथ के लिए सर। यस, एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ओबेसिटी आज एक नया कैंसर बन चुका है। ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट अभी जो हम लोग कह रहे हैं, ओबेसिटी एक नया कैंसर हो गया। ओबेसिटी कोई हेल्दी चीज़ नहीं है, इसको एक कैंसर ही मान के चलिए। अब एक संडे वीक में 7 दिन में एक बार आता है, संडे आप एंजॉय कीजिए, आपको जैसा खाना है आपको जैसा रहना है रहे, लेकिन बाकी के 6 दिन यूथ के लिए मेरा एक ही एडवाइस है, बाकी के 6 दिन आपके डाइट पर ध्यान रखिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, इंडोर से ज़्यादा एक्सटीरियर आउटडोर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाइए तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वज़न नहीं बढ़ेगा। वज़न नहीं बढ़ेगा तो बाकी के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। डाइट, एक्सरसाइज, 6 दिन आप पूरा ध्यान रखिए, 1 दिन एन्जॉय कीजिए, बट वो संडे रोज़ नहीं आता है वीक में, वो याद रखना ज़रूरी है। तो ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, तो ये कमेंट के बाद हम आज का हेल्थ प्लस का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर विक्रम लोटवाला साहब को। दोबारा उपस्थित होंगे एक नए विषय पर एक नए डॉक्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए।